अरे बोले दीपा दे हो चारा गोल सूख गया जरा एक ठंड सुनो पानी लो और तब वहां का बात एक गरम गरम चाहो बुआ खानदानी तुमने के चटपट कोई रेलगाड़ी छुड़नी चाहिए तुम्हारी कन के परेशानी होनी चाहिए तेन लोलो पहले तो मिन दिखन चाहिए नानी मेरे नानो दिखन चाहिए यूं कि मत फिर चाहिए पर चूचा तीन मिनट समझे नहीं होते कि जल्द बल्द काम करे छाका ना अरे लोली बोडी जब तेरे नोनो फ्लैट हो के सब ये नोनी देखी तो ये लोला बोड़ा ऐड किया छे अंगार परसानी आप भी क्या बिगड़ी ललता जी आप ना बोल दिया तो हम उन निर्यात भेज दो ना शेर सिंह जी को ना बस बात खत्म बोल व्यापार मारे और क्या होता वो लक्ष्मी एक आनी छे ना वक्त की है कि जगह चल जाली बस अर्थ बोली खुश हाँ हाँ अब सर दोस्त मेरे मुन बोल रहा पर छोड़ा तू उन सौ से वेगी पर जरा वो खेचे लगा दो क्योंकि कॉल करा रही नहीं आने वाली चुची न्यू नॉन मंगनू गया छो कि कॉल करा करनू गया छो तुम्हें गया आंगो तो नॉन होता है बाहर मंगनू कुन्ने जान्दू अब कख नहीं होने नहीं आने की छी यूं छुई हूँ ना तो वो बहुत खार खाने दहेज लेना देन माँ बाप समझ देनो ते पता उनकी डोरों की बारी एक तीन गिल्ले साथी अपना मैच बटी तीन जगह किले मांग तुम्हारे बारी तो किले फलफलाने चाहे बॉडी भगवान की दया से तुम्हारा घर में कोई कमी नहीं चाहे और इन्हें सुन दो मैं अगर ध्यान कभी कहा घर बुरी आज तक इन थोड़े होने पूरे अंगोदा करा कौन रहा बुआ ध्यान दे के सुना ला बियो से पहले लेने लेने की बात साफ होने चाहिए ना अपार देख नहीं तुम वे तीन कोटिया मंगता ना ना बियो आने कदा किस्मत दहेज मिली जेता ने भीतर दने जगह अपनी वेग झपड़म एज बटिन एक मोटरसाइकिल मिली छ और बारी सनन लग तक बढ़िया ही छ क्या छ वेगनो एक तीन कोटियो चण फसी छ अरे वे ते फांस बिकला चढ़ानी छ बोड़ी चढ़ फांस न बोलो चपड़ा से बोल चपड़ा से हां हां वे तो बोलो छामी तोरो की मां वे को सतरो कोई बहुत बड़ो अधिकारी होलो यदि नंबर और धंधा कर दो होलो मित्रे गरीब आदमी तेज का दे दे नहीं सकदो ना 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 सिर्फ बकरों धंधा कर और कोई कारोबार नहीं चाहिए अरे पर नौ ना नौनी दीवान माँ क्या किसी का सौर थोड़ी होंगी जय माँ जद का चदरी होली वेन उठ गई घुटा तो पसा नहीं अरे बोड़ी तू तो मालूम नहीं चे दैजु मंगनु कानूनी जुर्म चे ना वाओ तुम दे जेले हवा खलिया दून इना सुन दो दैजो नो सुनी कत्ती दोलन बरत के बरती वापस लौटे दिन मैं तो क्या उसे डराने खड़ करा हपार वे मंग तो तक ले नहीं दिन इन बोला दी कि तुम दैज मंगने नहीं आनो हाँ ठीक बोली छे तू ये मामला मैं बेकूफ छु मेरा बस की बात नहीं दैज वैज मंगनो ती जाओ ते बिगाड़ो ते अच्छा तो तुम अपना हाथ छोड़ पे दे कुछ सुना ला निकल कर निकालो देखो छक्का नोद में होता देर और दांत सत्ता हो गया भाजी पर खान पीना पर गांव का बना जा रहा है कि हलवा लगा हम पड़ो प्रधान जी आज का जमाना में कक्ष आप लोग खाना हुआ और जो बोना भी छन वो तो सबसे पहले दारू की बोतल चाहिए यहाँ का वास्ते मेरे सोचे हो कि हलवा ही लगाई जाओ प्रधान जी कगे वाला जमाना जब ब्यो बरती माँ कृष्ण बड़े दाल भाते खुशबू दी छे और गेड़ो की दाल और तौली को भात और घर रह पड़ेंगे भुज्जी और मिठो भातो स्वाद मैं तो तरसी रही हूँ इन पौने की दाल भात खानो खुने हाँ भाभी जी वो दिन कभी नहीं आना बौड़ी अब तू तो चौकुम टकी चंदोया और ढोल धमा कु गंगजार अमसु बाजा की त्यूहार अब सरी की नाच अब पाने की पकौड़ी सब पुरान जमाने बताओ जी बोला प्रधान पहले ब्यो बुराते में जना ने कख जाने छा और अब सबसे पहले सिर पर जाना छा और ढोल दमो की ताल पर एक उठे नाच नाच रहा था न लाज न शर्म न सस जाने डर ला शर्म जमन भाई अब रह नहीं गया थाने भी ठीक ही सब बोला तू वो नहीं और कभी कभी सोचो पड़ जा लो कि जो हमारे गढ़वाल की मान में रहा था संस्कृत छाई वो का खर्च चाचा जी संस्कृत के लिए छा कुछ ना आज दुनिया चांद तक कौन ये हम
हम तो अभी तक लाश रंग का चोर में फंसा छा। अगर संस्कृति समाज और देश को विकास कर ये लाश रंग का चोर हम तक उतारे बिना तुम धूमी पुरा लो। हाँ बाबा तू ठीक से बनी तभी तो प्यार भी हम धूमधाम से करना चाह भुला वीरेंद्र बागदाना देने का सफर में बोली छो समझी हमार नाक न कटेंगे जन तुम उनकर अपन नोनो जो बिना दे जाओ तन्ना करें इधर की समझी की बात रखना वास्ता दर्ज देने ही पड़े परमा का वास्ता कुछ पैसों की कमी पड़नी चाहिए भाई साहब परेशान नहीं हुआ कदर रुपये जरूरत पड़नी भुला तू कर सक दी तो फिलहाल 50,000 व्यवस्था कर दी संजू है जालू सच पहले 1,000 रुपये लौटा दी 2,000 भेजी 2,000 नमस्ते नमस्ते ए भुले सच बा जो कि तैयार होनी जाए हाँ भाजी आज तेरी प्यारी प्यारी बोई नहीं थी गेनी ठीक हर टाइम रही जब भेजी तू माँ पूरी पकड़ बना ची किचन माँ हाँ तब ठीक है बोली नमस्ते नहीं बोली बोली आज तो मोर सुंदर दिखे हो चु शायद ते पता चली गई है कि पता चल रही खड़े हैं हमें ते अरे बोली आप तो मिठाई खोलो कुंवर ससुर आप नन ते दाजु दोनों 100% तैयार हुए चु आप तो बड़ा ट्रक भरी सामान आलू आलू शायद कुंवर ते कार भी मिनवल छ अब पर मैं ते एक बात बताऊं बोल तो नहीं होने की छे बोनी जो बार ये कहानी छ ना बहुत खतरनाक छ बड़ा तेज मिजाज की छ विंत पिठाए का दिन कुंवर का पसीना छुड़ाया छा ए लंबू चौड़ो इंडर बिल्ली छ भी नहीं वेको पर एक बात बताऊं वो ते मा बहुत गरीब पुण्य छ बे सुना छ कुंवर अब के बोलो जे खड़े हो का छ ये चुगलार मारा छियो माने जी ए त चुगलार मन को नहीं होलो ब यही बात ने बात के मजा छ उन तेरे समान जवान को ने कबर कुंवर ते पूछ दो वे ते नहीं पूछ ले लो पर आम राजा ने बड़े दिन ते बार बली घर मा मैं 2 दिन में ठीक नहीं करी तो मैं 9 भी ललिता देव नहीं चाह हाँ हाँ तभी ते अपने ललिता पंवार बुलंद सर रखो मुला इन आज नहीं रहेगी जब तेरा कपाल फोड़ जा अब कपाल चंदन दीदी आज तक मैंने धूमधाम को व्यो कब किन देख सच बोलने से तो शर्मा मी भी पहल तक देख न छु धूमधाम राम हम गरीब लोग हम कब देख कर ये धूमधाम मेरे रूपो तो खड़ा खड़ी पियो होनो के कर रूपो जे उ कर दो राणो छारा अपन कपाल फोड़ दे दिल्ली हुंदा छ बल्कि फैंसी पूछियो मैं आग लगाऊं रूपो बुवा मोरी दारू न समझी फिटा दिया आराम अपन बेटी फुटी भाग देखी कहाँ से फुट के फुट कर लेना बेटू पर आए दोनों दीदी मैं अपना अपना भाव कहा बोल ही नो नू वो पता राने बने इधर आ सकूं बाबा जी चाचा
बुआरी चुकुआ रुगी छोटी नानी चाबी बेदा क्या नौच बाबा तेरो कन फूल से खिली चला फूड़ा ठसका प्रिया जी मेरे भाभी को ना कहीं नजर नहीं लगाया क्या समझनी हुई लाभ थर रंडो काल मुंड भी नहीं हुनु तय कुसरा सरी जीजा जी भाभी बहन चके तुम्हारा बोल को छुपा ले आज ते के लेस तुम्हारो अरे साली जी आपको वास्ते मेरे पर सुंदर से दिल है बोला निकाली में भी छत्ती बिटी बैर क्या तय दिल से वापस ले जिया और चढ़ जाए कि कांति का हाथ में धर दिया अच्छा बहुत चलो चीज दिखने जा साली तू बोल के विचार छिन मेरे बारे में जल्दी चाहे के पापा बाजार हैं चलड़ छोरा आओ बाजार जाए अपनी बुल्ली थे अच्छा किना सुना दे क्यों वे कहानी माए तुम तद का सुन जाने की भी कार मांग छ मिल गए विराज जी देख लिए जेन हमारो मान रखो तो इतका दियेली जो काम छे आज बटी बेचारो मूड भी खराब हो जाओ किले छ ये बेचारो नानो कश्मीर में लड़े लड़नो छे और भुली का ब्योग ते भी बलवे ते छुट्टी नहीं मिल साची दिले फुन फुगावे का मुंह लगी वे सामन के देर पर वेन कोर ते फुन लुले लुंगु जरूर समझी वेन कार नहीं दे आ कार भी फुन फोका कम से कम मोटरसाइकिल तो दिनी चेन छे नहीं तो एक फुन दोनों स्कूटर तो दिनों समय ना अपना कागज पत्र को कांडा लग लग तेरी किट्टी माँ ये शुभ घड़ी माँ भी इन अशुभ बात बनी छे कनी सोनी मुकड़ी छे भगवान कह रू कभी कह के नजर नहीं लगो तारीफ दिल से होने वाली ये तो नहीं बहरा मन भगवान जी की सगन तारीफ दिल से ही होनी छे तुम तो लाखों में एक छे पर कुछ मेरे बारे में भी तो बोला तुम भी बहुत अच्छे छो पर अब तुम तम करी खाना बन में बड़ा अटपुटी लग मुझे अच्छा अच्छा देखो आज हमारी स्वागराज पर दियो के लगा तब भी माँ तू थकी होली इले तो आज आराम कर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपनी बेटी चिंता लगा मेरा अच्छा तीन बात है दूर किले चाहे बेटी बाबा जरा दो गिलास पानी लो बड़ा प्रणाम बड़ी प्रणाम आज सुबह सुबह ले गए मुंड कटे नीचे काकी जाने तैयार थी क्या कक बटी जी तेरे सांग सुबह सुबह रानी केले छे कुमारी बोनी नवा सचे मकाई की सांग दिखन पुरे तवे तू ते मुखर नी से दिखे अंत कर सुंदर सो तिन में मेरे मन दुखान में कोई कसम नहीं छोड़ी अच्छा अच्छा अब मुंड ठीक कर इन बताई ना लगी के दबवारी दे दे मुझे सामान अंग पे गाल छ लो आ केले छे तो मेरे प्राण में आग लगानी तन की वे तवे मोटरसाइकिल के लिए नहीं मिली अरे बोड़ी ये सब भाग्य के पता होने तोरो भाग के साथ सुंदर छे तोरो नोनो बड़ो अवसर छे वारी लाखों में एक छे तिन के कना क्या गाड़ी घोड़ो अरे जो जरूरत आपी तो जुड़दन बोल परछु देख रे पारू मैं तने से बात उल्टी सीधी बात सा बात आज कि मैं तने पहले कार चाहे नितर मोटरसाइकिल नितर एक स्कूटर चाहे लगी छ अब तिन जा पारा मैं रह बार बोनू अरे बोड़ी तेरे तो उल्टन हुई छे उल्टी बातें तो उल्टी लगनी छे कह ली जो कहने तिन अपनी माओ से दाल लगाने तो लगा ली रे ओक जाने बात तिन सब तो इतने दे जा जाओ मैं फसनो दे जो मांग के उन्हें जेल होने तक की बात च खैर राम राम बचे रेल तो बोलती हूँ और फिरते इतने ये ख्याल तुमन बिना सलाह मसवरा काम नौने मान कन से पहले मेरे सलाह ले लेना तो कन नहीं मिलती तुम दे मोटरसाइकिल जन्मांग तो अनोना तय नहीं 60-70 हजार रुपया तो बल ये कुमारा सेसो समन ना की कटे यार देख मां तो पर सरलता नहीं पितो अरे जब दे जो मेरे सेसो सरों को दियो छ क्या वो काम छ
वहां तो लेना पैसा नहीं पड़ता क्या? अरे जग तक रहे स्कूटर है बाहर, बोल में दिल्ली जाके उखी ले ले लो। देखना छा कौन रोबू तुम्हारा नौन कंचपड़ा सेस ने पक्ष नहीं होना इंच नहीं देखनो कि खुन दो दया लोग आए लिखन कन दे जाओ और हमारे कन कब राफ की जो हमने इन जगह रिश्ता करी। एक कुंवरों की माँ कुंवर ठीक बनो चे क्योंकि अपनी पढ़ी लिखी नौनी हम ते दिए चे क्योंकि कम दे चे। तुम बाप बेटे की भोर सा पूछना कहते हैं मेरे दिल पर लगी बर्बर नीच दिखानी मैं पहले बोल आ ली जब तक बार अबुवन स्कूटर नहीं दे तब तक मैं जुगला शहर नहीं पड़ बारे। देख प्रिया तो बड़ा दिल माफ की उमाल नहीं लो माँ जी जरा करोना बेचारो इन्हें दहेज वहेज मंगनी तुम्हें तो नहीं मालूम कि वो कतन बड़ा अपराध करनी ची तू रोन बंद कर प्रिया तू रोन बंद कर। देख भाभी अभी खुशी की माहौल जा अभी तुम्हारे आंख में आंसू नहीं हो जाना था वो तो हमारे गांव वाले नौने थे मोटरसाइकिल मिली थी दहेज ना बस माँ का मन वही इच्छा बस भाभी देख बेटा हमते छह जने लक्ष्मी बारी मिली और किचे नो छो हमते अरे अपना सास और बोला गुरु ने मान दी वो तो सब दी बड़ा आटे ले रानी मी का बन पर किले जानी जा तू हैं अब रोनी छोड़ बेटा अपना काम धाम पर लग जाओ चल। प्रिया मैं तेरे से कुछ पूछने चाहूँ छो क्या मैं जान रहा छो कि तू मेरे माँ के व्यवहार से खुश नहीं छे पर मैं पहली बार अपने सासु जानू छो तू कुछ इन्नी बोली जा से हम उते मन है जा स्कूटर तो मंगली छे या को मतलब तिन मन नहीं छे तिन मेरी बेइज्जती करो तुम ही ते मन चाहनी छे जमे पाई तो प्रियल पाई इन नून की खुट छुई का सेवा लगा बड़े लोग की बड़े चुनन दीदी उन्हीं का संस्कार में हाँ। अब देख तुझे कुकन भाग और तेरे नौ रूप कुकन भाग तेरी नौ रूप पढ़ी लिखी छ दिखे दर्शन भी खूब पर नौन मिली अनपढ़ और नौकरी को तो कोई पता ही नहीं क्या पता क्या उठ रहा हूँ भाड़ में उमट आऊँ ठीक बनी सर चल उठ चल दस अच्छा दीदी चल दस हाँ बोल मिल रहा है प्रिया कनकन जीती है सासु से खुद तीन लगी थे उक मैंने पहले ही बोल आले जब तक बाहर अबुवन स्कूटर नहीं दे तब तक मैं जुगलाम शेर नहीं पड़ बाहर है क्या बात ची प्रिया तेरे मुखड़ी के रंग किले उतरे अभी अभी बेटा तेरा ब्यो का नमा कोई कमी तो नहीं वे हमसे तेरा सासुर में सब ठीक ठाक छन बोल मेरी लाटी बोल ताकि तेरा जवान कुछ तो नहीं बोली ना ना पिताजी वो तो देर तक जान छन तो फिर तेरा ससुरन तो नहीं बोली कुछ ना पिताजी ना वो तो भगवान जी जान छन बोल बेटा बोल सासुर में कहते में कुछ तो नहीं बोली ना ना माँ जी कहन कुछ नहीं बोली मीठा वो तो मीठा भैजी याद आ गया सर उधरी वो भी रहा देखो मीठा कदम अच्छी नहीं लगन सर बंदू
तू सुहाग की रक्षक कह रही तू का दगड़ा रहा माँ वो का दगड़ा रहा ये भूल तेरे थान माँ भेड़ चाण वालू माँ भाभी क्यों है भाभी गांधी तेरे बेज खतरा माँ जा बहुत खतरा माँ जा क्या हम सब भूल माँ का थान माँ भेड़ चाण चोला हाँ किलाना किलाना We'll be right back.
माँ भगवती का दर्शन भी अमन करिए आर्मी को आशीर्वाद भी हमसे मिली और ससुरों की दावत भी हमन खाई आली। प्रिया तू चुप क्यों हुई छे? मैं तो नहीं भाईजी भी होना थे। प्रिया तेरे भाईजी तो कुछ नहीं बोलो, देख ले एक दिन जरूर तेरे भाईजी घर बड़ो होला। तू दुख नहीं हो? प्रिया भूमि दिल्ली चल जा, तब ये घरों को सारो कारोबार तेरे हाथ में आ जाए। माँ जी जरा तेज में जा जाए, वो जवाब भी बोल ली, वहां को जवाब तो हाँ हाँ बोली की दे। अरुण भी तू चिंता नहीं कर, मैं तो दिल्ली आप उधर दिल्ली जाओ। तुम चिंता नहीं कर रहा, मैं घर तक आने पूरी कोशिश कर लो, पर हाँ मैं तुम्हें जगाल नहीं होने कखीन ना हो कि मैं तुम जगल दे ऐसे सर्ग लोग नहीं पहुंच जाओ। चुप कर पगली, इन्हीं बात नहीं कर दन। अच्छा बाबा तुम करें ना जी। हाँ जब बाबा उनको घर नौकरी छठी पदे दिन रहे आप इस यात्रा ध्यान रख। भगवान की दया से अब सौ काम ठीक ठाक नहीं बढ़ेगी। कौर विराज खुशी अपनी नौकरी पर चल गई, अब कौरी माँ मी पार गांव जरा ठेका काम देखी ऐ जानो, कई दिन बटी वो काम भी नहीं देखी। मैं वहां की छाबो ना अपने लाड़े बारे में बोली जा दू, मैं के लाऊ तुम्हारी। तू भी कभी नहीं सुधरने भाई, कुकर और पूज भी बल बरसों तक नलका भीतर रखी थे उन्हें टेड़ो टेड़ो को। धोनी छे कि क्या तो शोक मनानी छे, दो दी काम चोर राने बेटी एक घंटा बड़ी चार भानी नहीं मटे सकनी। ढंग से मार जाओ, ढंग से कि छेन करनी वे पहले मार चल मार लूँ, ये ढंग से बहुत ढंग से कि छेन करनी दूसरे पाते दो चल चल कर कपड़ा धोए कौन? सब धोए कौन? धोए कपड़ा, धो, धोए कपड़ा।
दे किले जा सुबेर बटी बिस्तर में पूरी तेरी तबीयत तो ठीक छे कनी की उणो में दे ए घर में मेरी कोई कदर नहीं छे न कह दे मेरी जरूरत तुम दे दिखाओ तो और भावी जाएगे दबोए ओफो मां क्या वेती ते किले छे अपना दिल ते जलाने बोल क्या कमी देखी थी मीमा अरे मीमा कोई कमी नहीं छे पर भी गबन कन ठ गया हम ई तो अच्छी नौकरोल नौन मिलियो छे अच्छा घरवार मिलियो छे पर वेन में नौने कदर नहीं जाने दुने ते दिखणो छे कोरो कन्नी तरसे ओल में आरो परां अपना ब्योक दे तो देखी तू ठीक बुनी छे मां भैजी भी पुट गई जरूर दुखी होलो लेकिन या मां भाभी को क्या कसूर छे जो तू ही दगली ठीक से बचानी नहीं छे जान दी छे वो तेरी कद का इज्जत कर दे सुबह उठी पहली बार तेरा खूंटा छूनी मां मैं फिर भी बुनो छौ तू इसे में ते कोई शिकायत नहीं छे पर मैं गबन समाज में हम ते बहुत नीच दिखे आले मैं खणे बोल क्या बड़ो बबो ते पटे पुटेगी एक स्कूटर तो दिलो दे मैं ना ते नीचे नहीं हम ते कार अच्छा मां तू खड़ उठ और भाभी दगड़ी ठीक व्यवहार कर मैं समझा लूंगी ते मी ते विश्वास छे कि अपना मैं ते जाके एक स्कूटर तो लई जाली और ये झगड़ा की लूंगी ते खत्म ही कर ली जब उनका पिताजी ने इनका दहेज दे तक थोड़ा और से हाँ इन्हें समझाई हुई थे भाभी कल जाने दे रहे हो तुम्हारी देखा दी पिताजी ने चल घर में और तुम चली जा रहे तो घर संपट भी जा रहे सुषमा भी मैं अच्छा जा रहा हूँ मैं ब्रेक तभी वापस आऊँ जब मैं अपना पिताजी ब्रेक स्कूटर मांगने लगे तब अर्थ ये घर में शांति नहीं होगी पर तू हम कह दड़ जा तू मरे थे ना तो कोई भी नहीं घर में मैं अकेला चल रहा हूँ मैं तो कहीं नहीं आ छू मैं अकेला चल रहा कपड़ा मारा माँ प्रिया सब ठीक ठाक फिर ससुर माँ हाँ भाभी सब ठीक ठाक छे भैजे बारम फिकर इन छे तभी सासू जी ने बोली जय इच्छे कर रहा मैं तो मारी आ जा क्या भाभी जी तुमने मेरा आँख ठीक नहीं लगी हेलो रे तू इनके लिए भुनी छे तू गए छे ये घर रोने की चली छे और हम सभी थे 24 घंटा समझो कि फिकर ना करना और तेरे पिता से टीवी लगना बैठी के लड़के समाचार नहीं सुना माँ जी मिथे पूरो विश्वास छे कि भैजी घर सही सलामत आलो भाभी तुम आशीर्वाद वाले की बच्चे देवी मावी की पुकार जरूर सुनी होगी नमस्कार आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं कश्मीर बॉर्डर में लड़ाई जोरों पर है भारतीय सेना के जवानों के हौसले बुलंद हैं वे हर मोर्चे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते जा रहे हैं भारतीय फौज के दबाव में दुश्मन धीरे धीरे पीछे खिसकता जा रहा है कुछ जांबाज जवान अग्रिम मोर्चे से लापता हो गए लापता जवानों के नाम इस प्रकार हैं राम सिंह बच्चन सिंह दर्शन लाल शर्मा राम संजय सिंह कृपाल सिंह एवं जगदीश प्रसाद ये सभी गढ़वा राइफल के जवान हैं संजय सिंह ने अद्भुत शौर्य दिखाकर एक साथ 8 दुश्मनों को मार गिराया और भारतीय चौकी को वापस पाने में कामयाबी प्राप्त की है मगर तभी से वह लापता हैं भारतीय सेना द्वारा उनकी तलाश जारी है केरी मां तेरी हूँ क्या केरी कच्चे मेरे सुहाग मां कच्चे बताओ जल्दी नहीं फिर मैं तेरे सामने अपनी जान दे दूँ बताओ मां जल्दी बताओ सुमी गुंडा क्या तुम निकली छे तू जा कर बोलो इन घर बेटा वारे कन्नो नहीं छा तू मैं एक जूना मन की कुणा है इसका विलाप करना छा और तू पीछा कर लेगी विदा सारा देना बजा खुद रोनी छा छोड़
बुआरी हमारा संजू तक कुछ नहीं बेच सकू वेन तो हमारा नाम रोशन कर दी आठ दुश्मन मन इन कट्ठा और आज तो तुम तक गर्व हो चंद कि तुम एक बहादुर सिपाही की पत्नी छह क्या कुछ हार एक वे को अपमान कर ले गया है देख लिया तुम बेटा मेरे मन बोलू चु कि जख भी बोलू राजी खुशी बोलू उठा बेटा उठा हे प्रिया की सोचनी चाहिए त्यारे भैजी का लापता हुई से त्यारे मैं तुम्हें तनाव बनी च इन मक्कन के मंगन तिल अपने पिताजी बटाई स्कूटर अभी उन त्यारे भी कर्ज भी नहीं चुके कक बटे लेनी नून 40-50 हजार रुपये तू वापस जा अपना सासुर जा और अपनी सासु दगड़ी दुई टूक बात कर साफ बोल दी कि तू अपना मैथ बटे स्कूटर नहीं ले सकती नहीं ले सकती नहीं ले सकती नहीं ले सकती कुंवर सिंह जी मेरा लंच टाइम हो गया है तो आप मेरे को अकाउंट वगैरह की डिटेल चेक करके बता देना मैं लंच पे जाऊंगा जी मैं अकाउंट चेक करके आपको बाद में बताऊंगा ओके आपका लंच टाइम हो गया आप लंच कर लीजिए टिकनी दे हाँ मेरी नजर हाँ मेरी नजर वत रोड़ी रोड़ी की चली जांद मेरे प्रिया तेरी खुटू तलक तेरी खुटू तलक अपना चेपू का छेनू तौल बने दे अपना चेपू का छेनू तौल बने दे तू इनू नगर तू इनू नगर जय मां बसू रोलू जिंदगी तलक जिंदगी तलक जिंदगी तलक जिंदगी तलक परदेस जाए के भूली चंदिया तू हाँ मेरी कदर हाँ मेरी कदर मैं तो घुट घुट के तरस जांग देखने को तू मरी झलक तू मरी झलक अपनी जिकुड़ी अब दिल मा छुपेगी रख लुपे सारी उम्र तलक सारी उम्र तलक सारी उम्र तलक सारी
सुपनों मा है की सताई जांदी मेरी आँखों की नींद उड़ाई जांदी रोज सुपनों मा है की सताई जांदी मेरी आँखों की नींद उड़ाई जांदी दिल की बात बना तू जब यादू भगत तब न जानी तू कक हर चीज जांदी छई अपनी गोली का और पोर बांध दे अपनी गोली का और पोर बांध दे तू मेरे प्रिया तू मेरे प्रिया चमकू रोलू खुलो बंद सी जन्म जन्म तलक जन्म जन्म तलक जन्म जन्म तलक जन्म जन्म तलक चाणो छो तेरा मैं तो सवराज कुछ छन हां सवराज कुछ छन पर भाजी का घर ना से सब घर में दुख है छन की क्या हालत में छन कने की बात है भाजी ते भाजी लड़ाई का मोड़ चपटा एक लाप होता है छन अभी तक उनको की सहना नहीं मिली अच्छा छोड़ो ये बताए बाद में लगा पहले ने बताओ जहां का बांधो तो ते लंबा नाग लेके मैं जई छे वहां क्यों आई मैं जाना बांधती मेरी इजाजत लेने भी जरूरत नहीं समझी उनका दुख देखी मेरे स्कूल बात नहीं बोल सकती साजू मेरे तुम तो हाथ जुड़ा है किस स्कूल रटनी लगाओ नहीं लगाओ तो मैं तन्ने से देनी था निकल तेरे को मत दिखा धूमधाम पे ना और एक स्कूल में तो मैं ना दे तो क्यों मोनो छवे को मेरे पिताजी को जरा किचो संभाल खड़े बोलन नहीं थे नहीं था क्या कर दे रोना छोड़ दे संभाल के चल चलो तेरे मम्मी थे अपनी मर्यादा बरा इतनी सोचा कि मैं तुम्हारी धमकियों डर जालू छोड़ दे मैं तेरे जवाब छोड़ दे मैं 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 मैं आज राधा से लगा छोड़ दे मैं ताला से सामने आ गया माँ तू भाग लेगी कुछ इस भाग लेने खाने का पंगा लेगी देख दे कोई धमकियों पर लगी है वो क्या है कुछ जमा नहीं दर्द कहना नहीं खड़ा सोते बेटी हाथ मांगने के लिए और बोल क्या नहीं दिल से ना ये झगड़ा बात इनमें खत्म हो जान चाहूँ अंदर जान क्या स्कूटर नहीं स्कूटर जब तू मेरा सुना है तब तेरा ने तुझे सोचा अब जान रान नानी बुलिया हाँ मेरे क्या तू पढ़ी लिखी नानी था इन अपनी मर्यादा बचाओ निधर रान बुना मतलब तुमने ने तुम दें मैं तो चल जाओ ये नर बुलाए थे पर तुम कम के दिख रहे थे जिम्मा से कोई मुकदमा ना आना चाहे ये भाभी मां ने कुछ तमीज सबूत आज तक इसे भाग जाते लेकिन आज हटा दे भोगे की भाभी दीपा तुमने दिल पर हाथ उठाई तेरे उसके बाद चल चल Yeah.
जान मेरे दीदी के लिए ए सती बोले ना तुम्हें चंदे से का कुड़ का आग लगा दूं अरे खराब लगे तो नदी में उठे हां तुम सब छोड़ ले अब को बोलो तुम सब छोड़ ले बोल मेरे दीदी देना वक्त की पुरली भगली तुम सब ही का जुर्मदार रहला हां और ये दीपा और ये ललिता देवी और ये ग्रेस को 50 साल तू तक कितने छोड़ू मैं यहां तुम सब छोड़ लिया वो कुबेर ये नरक बेटी अपनी दीदी का खतरे गुण ले जा लिया बेटी बता ही तो दिनेश का गाड़ी से साले इनो बाहर निकल कार्ज ते गुणा कले तो देवी इन बेजती मां जीवन से तेरे मर जाऊं अछु चल सन्नवर रास्ता पकड़ तेरी गंगा जी मां फाल मार दे पीछे झगड़े के जल अब भोल तेरे बारे सदने फुन अपना मैं चले जाऊं कन के दिखे तो ते काला मुख अपना नौन होता के जवाब दे ले तू थे आज तेरे सर गांव की समणी तमस लगे दे आई अब भोल दे मंगल का पांच दिन पकड़े जान गांव मन तेरे खिलाफ गवे दिन इन बेजती सैन से तू अपने जीवन दिल समाप्त कर दे समाप्त कर दे समाप्त कर दे अरे बेकू मेरे बुनन तो सच्ची मन जान जानी छे अरे मी ते मार दो जो झगड़े की जड़ छे मेरे बुढ़ियो मां ते मरतेला गेण उठो सुरक सुरक कह की मी कमरम जे की मी के ऐ शहर मिट तेल चार दे तेरे मां से झलके की जत भरे जा अपना कमरा में सेजा बोल समन बुन कि तेरे बारे ने अपनी गति पर अफी आग लगे दे अरे जब चसम दी गवे निरालू तो कहन कन ते खुना जेल चिंता नहीं कर ये काम तय कर सरासरी जबर सब गैर निंसियां छ Ah!
तेरे गुनाहगार जो बेटा, मैं तेरे गुनाहगार जो।
भैजी की पराने बैणा अब कख बेटी देख लिया ससुरी वेगी नी देना अब कख बेटी देख लिया ससुरी वेगी नी देना मोरी यो तड़प तड़पी की परेशान हुई है और तू आज रात एक गाड़ी में घर पहुंच जा और जल्द पहुंचे है। अच्छा तो मेरा फोन तो है। अच्छा हेलो हाँ ठेदार जी बोला ना। हाँ मैं परमानंद छो। अरे भाई बोर्ड बड़ी समस्या खड़ी करे लिख भाई घर में तुम तुरंत घर पहुंचा। अच्छा तो Yeah.
पहुंच रहे हो ललिता देवी जैन इनको गर्म कैरी दिनेश पहुंच साला उल्लू का पट्टा ऊपर भी सोचो तीन कि तेरे बुवार तेरे भैजी घर में नहीं जबर तुम उनसे निर्दोष छोरी आग लगे कि मार दे राम का बच्चा तेरे कपाल में ईदगाह जूता मल्लू कि तेरे बुबा की सात बीड़ी भी याद कर ली बेटा कोरो अपनी माँ का खिलाफ जरा सोच समझी तो बयान दे बचा सकती तू भी बचे ले कहते बचाओ मेरी कोई मानी छ मीते बचाओ जन मेरी जिंदगी खत्म कर दे अरे बेटा अपना भला दिनेश तो बचाओ वो तो बेचारो निर्दोष केस मेरी निर्दोष पत्नी प्रिया के कत्ल का केस इसमें मेरी मां ने दहेज की खातिर मेरी प्रिया को तेल छिड़क छिड़क कर जलाया इस केस में कोई और नहीं मेरा भाई दिनेश भी निर्दोष आप चिंता मत कीजिए निर्दोष के साथ पूरा पूरा न्याय किया जाएगा केते इनकी रिपोर्ट दर्ज करो और इनकी सिग्नेचर ले थैंक्स इंस्पेक्टर साहब थैंक्स दादी अगर की कसम नीचे ये सब माँ को करे दादी हम तो बहन ही करते दादी दादी पिता जी दीपा और सुषमा भी बहन को जोड़ चेना बोली आप तो खूब मजे लेने वाले हैं जब हमारी मैं समझान छो तो मत तेरी गोदी में बजर पड़े आन छो आप पता चल लो
जब जेल का बन बने का मच्छर चास तेरो खून चूसला जेल की काल कोठरी में भजन रेल गाणी जै दिन फांसी के लगली वो दिन मी तो जरूर बुढ़े वो दिन रोन में त्यो बुढ़े कोरा बाबा मैं ते माफ कर दिया मैं ना भाई यहाँ तो ना अपनी बारी फूक गया ली मैं ना अपनी फोन से बारी फूक गया ली कोरा बाबा मैं ना अपने कोरे जिंदगी में आग लगे ली मैं पापी जाऊँ तुम्हारे भी जाऊँ मैं नहीं माफ करना मैं जन सास के बारी नहीं मिला मैं बहुत थक गया कोरा बाबा मैं ते माफ कर दिया मैं ते भूल दिया कोरा बाबा नोएडंट जबर मिन्ना बोल जो निमांग निमांग का दे के ऊपर इतने ऊपर तेरे स्कूल का चेंज हो अब चिल्ला बिदर में इतने चक्की बीस चक्की और की शरीर का जमा कश्मीर में सीमा पर अद्यम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय चौकी को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने में अपनी जान की परवाह न करके गढ़वाल राइफल के सिपाही संजय सिंह ने जो बहादुरी की मिसाल कायम की है उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 26 जनवरी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मम्मी पापा जी बैठी ना मार कुछ नहीं थी चल गया तुम हाँ परेशान बेटा तेरी मां तो रोज रो रो अपन आंखों को पानी चढ़ा बस सिर्फ तेरे इंतजार करनी है बेटा मैं तो विश्वास सौजन पे ली क्या तुम्हारी फौज नहीं जलते जरूर जलेगी सुतन करी दी मैं तो गर्व से बेटा पिताजी, क्या करें? अरे इधर,
कुछ तो बोल आपके पिताजी, कुछ तो बोल। बेटा प्रिय भगवान से कहरी में मैं कोई दुनिया में इतनी दान पाए लिखी जाओ विधि बात याद कर शुक्र भाई बनी जाए बैजी मैं वो दोनों यून के बता प्रिय को आना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो माफ कर, खाली बात करना है, सब तेरे इंतजार करना है। बेटा कुंवरू तेरी कोई गलती नहीं थी, तू तो हमारा परिवार को एक सदस्य है, जैसे हम कभी भी जुदा नहीं कर सकता। यहां का वास्ता बेटा कुंवरू प्रिया तो नहीं, पर प्रिया की जगह मैं कांति को हाथ तेरा हाथ में दूंगा। आज से इतना ही तू अपनी प्रिया समझ। मेरा परिवार कौन है जो शाम गमों को भंडार लेके आ चाहिए, वो शाम अब ढल चुकी। प्रभु की दया से एक नई सवेरा हमारे जीवन में खुशियों लेके आई। भगवान करो आपका जीवन में ये गमों की शाम कभी ना हो, कभी ना हो। जिंदगी सौ प्याली तेरा हाथ मां, देख बोला बणु छो तेरा प्रेम मां, ओ देख जिंदगी सौ प्याली तेरा हाथ मां, मेरू हाथ नी छोड़ी मेरू साथ